खुदा का एक रूप मां भी है जो दुनिया में लाती है, मिलती है, मिलाती है, एहसास दिलवाती है। सोच के जजीरों पर जब मैं लड़खड़ाता हूं, जिंदगी की मुश्किल में जब मैं डगमगाता हूं, दिल की बात आज भी मैं सिर्फ मां से कहता हूं। तुम नहीं समझ सकते, मैं नहीं बताता उसे, खुद ही जान जाती है, खुद ही जान जाती है। किसी ने फकीर से पूछा, बाबा को ये एक निशानी जिसे देखकर खतरनाक, खौफनाक और मुकम्मल जहालत का अंदाजा लगाया जा सके। फकीर ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया ये कहकर, जाहिल की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि सच उसकी आंखों के सामने पड़ा होता है, वो उसे दिखाई दे रहा होता है मगर वो उस पर यकीन नहीं करता और एक झूठ को सच समझकर सर का ताज बना लेता है। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जिसे लोग सच समझकर बोलते हैं। किसी ने आशिक से पूछा, आजकल खाते क्या हो, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। आशिक ने कहा, अब तो दर्द ही खुराक है साहेब, जिस दिन मुफ्त ना मिले उस दिन खरीद लेते हैं। दुकानदार बहुत अच्छे लोग हैं, कभी कभी उधार भी दे देते हैं। कैसा उधार है यार, फिर वापस भी नहीं लेते। दर्द का लेना देना चलता रहता है, जिस्म को खुराक मिलती रहती है। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें असूलों ने मार डाला, और जो इन सब से बच जाए उन्हें डॉक्टर मार देते हैं। बंदा जाए तो जाए कहां। जब भी आओगे तो घर के दरों दीवार को अंगूर की बेल के पत्तों के पीछे छुपा हुआ पाओगे। जिस तरह दर्द को दिल में छुपाकर दिल के बाहरी दरवाजे पर हम एक गुलाब रखते हैं, अंदर से मर जाते हैं मगर चेहरे को शादाब रखते हैं। जब भी आओगे मेरे दिल के दरवाजे पर पड़े हुए गुलाब के एक फूल को अपना मुंतजिर पाओगे। तब तक उसकी खुशबू उड़ चुकी होगी, पत्तियां सूख चुकी होंगी, रखने वाला सो चुका होगा। तुम उसको हाथों में थाम लेना, मैं याद आऊं तो नाम लेना। यही तरीका है अब मिलन का, अब ऐसे ही हम मिला करेंगे।